पाकिस्तान क्रिकेट में आए दिन कुछ न कुछ बवाल होता ही रहता है। यहाँ के खिलाड़ी या तो अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना करते रहते हैं या फिर आपस में ही भिड़ते रहते हैं। और इसी बीच पाकिस्तान की पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारतीय विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा से पंगा ले लिया है। न केवल रोहित शर्मा बल्कि विराट कोहली से भी। रोहित शर्मा और विराट कोहली से पंगा लेने के बाद मोहम्मद आमिर को जमकर फटकार मिल रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि भारतीय क्रिकेट फैंस की तरफ से नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान मोहम्मद आमिर को जमकर फटकार लगा रहा है। आखिर मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर ऐसा क्या बयान दिया है कि पाकिस्तान से ही उन्हें जमकर फटकार मिल रही है, ये जानते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं रोहित मैन और विराट कोहली के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपके फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आखिर मोहम्मद आमिर ने क्या कहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर, और फिर पाकिस्तान से ही उन्हें क्यों फटकार मिल रही है रोहित और विराट को लेकर, आइए जानते हैं। मोहम्मद आमिर हाल ही में दिसंबर 2020 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इसके लिए आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचिंग स्टाफ पर गहरे आरोप भी लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि टीम के कुछ कोचिंग स्टाफ नहीं चाहते हैं कि वो आगे खेले। आमिर का कहना था कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जिसके बाद उन्हें मजबूरी में क्रिकेट छोड़ना पड़ा। आमिर ने सिर्फ 28 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। टीम मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाए, भेदभाव के आरोप लगाए, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ ही दिया। पाकिस्तान के बाद वो ब्रिटेन में रहने लगे, वहाँ की नागरिकता हासिल करने लगे। लेकिन उन्होंने इस बार गलती कर दी। इस बार उन्होंने भारत के हिटमैन और रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली से पंगा ले लिया। ये जानने से पहले कि पाकिस्तान से उन्हें कैसे फटकार मिल रही है, कैसी उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं आखिर विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर मोहम्मद आमिर ने ऐसा क्या कहा था। कुछ दिन पहले मोहम्मद आमिर ने टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर एक विवादित बयान दिया था जिसके बाद से ही उनकी सब जगह आलोचना की जा रही थी। आमिर ने कहा उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा के खिलाफ गेंदबाजी करना आसान लगता है। आमिर ने यहाँ तक कह दिया रोहित शर्मा के खिलाफ गेंदबाजी करना उन्हें आसान लगता है क्योंकि उन्हें दोनों तरफ से आउट कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर के इस बयान के बाद पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने उनकी जमकर क्लास लगाई है और रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर ऐसा बयान दिया है कि जीत लिया है करोड़ों भारतीयों का दिल। कनेरिया ने कहा रोहित आमिर से कई गुना ज्यादा बेहतर खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि आमिर बस खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के बेतुके बयान देते रहते हैं। कनेरिया ने कहा रोहित वो खिलाड़ी है जिसने कहीं दोहरे शतक भी लगाए हैं। उनसे बेहतर स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों का सामना बहुत कम खिलाड़ी कर पाते हैं। ऐसे में आप रोहित शर्मा को एक आसान सा खिलाड़ी बताना ये वाकई में हैरान करने वाला है। ये तो वही बात हो गई खबरों में बने रहने के लिए बयान देना। खैर दानिश कनेरिया से आप कितना एग्री करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और रोहित मैन के लिए एक लाइक तो बनता है, वैसे रोहित की तारीफ में तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।